हाय एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ राइस एंड वेट लॉस के बारे में। मेरे पास अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या राइस खा सकते हैं हम अपनी वेट लॉस जर्नी में। गाइस, आप लोगों के सामने हैं पिछले 1.5 से 2 साल के वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, जहाँ पर एवरी सिंगल नाइट मैंने चावल खाया है अपने खाने में एंड मेरा वेट लॉस आपने अपनी आंखों के सामने स्लोली स्लोली देखा है। 75 kg से मैंने स्टार्ट करके आप लोगों को अभी तक 80 kg तक का वेइंग मशीन पर दिखा दिया है। एंड इंच लॉस की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 inches अराउंड माय वेस्ट कम हुए हैं, वो भी बहुत क्लियरली विजिबल है। कहाँ मैं डबल एक्सेल साइज पहना करती थी कपड़ों के, कहाँ आज के टाइम में एल साइज पहनती हूँ। सो देर इज़ ह्यूज डिफरेंस एंड दैट इज़ ऑल वाइल ईटिंग राइस। इनफैक्ट पहले मैं इतना राइस नहीं खाती थी जितना मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान राइस खाया है। साइंटिफिक टर्म्स की तो बात है, साइंटिफिक टर्म्स को तो छोड़ ही देते हैं, और खैर वो भी साइंस इज नॉट अगेंस्ट ईटिंग राइस। मैं प्रैक्टिकल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपको बोल रही हूँ, आपके सामने ही तो है, मैंने तो रोज़ाना राइस खाया है। हाँ, एक चीज़ है, बहुत से लोग एक्चुअली करते क्या है ना, वो इतना इतना चावल प्लेट भर के खा लेते हैं एंड देन दे थिंक कि राइस से वेट लॉस होता है कि नहीं। हर चीज़ से ना, जो राइस है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, पनीर है, हर कोई चीज़ वेट लॉस करने के लिए भी काम में आती है, वेट गेन करने के लिए भी काम में आती है। द थिंग इज़ दैट कि राइट क्वांटिटी में हमें चीज़ को खाना होता है। अगर आप टीवी, गैजेट सब कुछ बंद करके चौकड़ी मार के बिल्कुल धीरे धीरे चबा के खाएंगे ना, आपको राइट टाइम पर पता चल जाएगा कहाँ आपका पेट भर गया है, और वहीं पर आप रुक जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी के लिए उतना सफिशिएंट है, फिर वो बेशक आपकी वेट गेन के लिए हो या वेट लॉस के लिए हो। एंड व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस, हम वेट लॉस की यहाँ पे ज़्यादा बात करेंगे, तो आपको अच्छे से फोकस करना है इस चीज़ पे कि कहाँ आपका किस बाइट पे पेट भरता है, सो दैट आप वहाँ पर स्टॉप कर जाए। मैं आपको क्वांटिटी भी बता देती हूँ कि मैं राइस कितना खाती हूँ। ये जो छोटी सी कटोरी है ना, आई थिंक 100 grams की होगी अप्रॉक्सीमेटली, मैं बता रही हूँ। हमारे घर में अगर 4 लोगों का खाना बनेगा तो इतना कटोरी चावल बनेगा, अनकुक्ड चावल जो है, ठीक है। तो एक इंसान का 25 grams अनकुक्ड चावल आएगा, तो मेरा 25 grams अनकुक्ड चावल मैं खाती हूँ अप्रॉक्सीमेटली रात को, तो वो मेरा सिर्फ 100 calories है, दैट्स इट। तो बहुत ज़्यादा लाइट है वो। अगर मैं प्लेट भर के चावल खाऊंगी तो ऑब्वियसली मेरा वेट गेन हो जाएगा। मैं बहुत कम क्वांटिटी में खाती हूँ, साथ में मैं 2 कटोरे दाल के खा लेती हूँ, जिससे कि मेरा पेट अच्छे से भर भी जाता है, प्लस मुझे वो दाल का प्रोटीन और वो सब न्यूट्रिशन भी मिलता है। ऑल्सो चावल का भी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने पर्सनली पिछले 1.5 से 2 साल में अपनी वेट लॉस जर्नी में ना वाइट राइस को कंज्यूम किया है, बट दैट्स नॉट व्हाट आई रिकमेंड। बट ऑनेस्टली मैंने वाइट राइस ही कंज्यूम किया। मैंने ना आलस मार दिया हैंड पाउंडेड राइस लेके आने का, मुझे पता नहीं है मेरे सिटी में कैसे कहाँ पे क्या मिलता है। सो फाइनली मैंने अब ऑनलाइन ऑर्डर किया है, सो मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है, ठीक है। ये 24 Mantra ऑर्गेनिक हैंड पाउंडेड राइस है। सो जो हैंड पाउंडेड राइस है ना, इसमें हल्का सा जो छिलका होता है वो लगा हुआ है। सो दिस इज़ नॉट ब्राउन राइस, दिस इज़ नॉट वाइट राइस, दिस इज़ समवेयर इन बिटवीन। जो अदरवाइज जो हमारा वाइट राइस होता है वो मिल्स में उसका जो ऊपर का ब्राउन छिलका होता है वो उतारा जाता है, तो वो एक तरह से केमिकली प्रोसेसिंग हो जाती है वाइट राइस की, जो कि उतनी अच्छी चीज़ नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू विच राइस यू शुड ईट, अगर हम हैंड पाउंडेड की बात ही नहीं कर रहे वेट लॉस के लिए, ब्राउन या फिर वाइट, तो मैं आपको वाइट ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, ठीक है। ब्राउन राइस हर किसी से ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है, दिस इज़ अ फैक्ट। बहुत से लोग खाते हैं, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप चाहे माय बॉलीवुड बॉडी देख लीजिए या रुजुता मैम का देख लीजिए, दे गाइज रिकमेंड डिनर में चावल थोड़ा सा खाना, और वो भी वाइट या फिर हैंड पाउंडेड राइस, बिकॉज उससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारे गट में अच्छा बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस होता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट अच्छे से करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में भी हमें मदद करता है, और हमारे स्टमक पे बहुत ज़्यादा लाइट होता है, जिस वजह से वेट लॉस में एक्चुअली हेल्प मिलती है। मैंने तो लंच टाइम में भी राइस नहीं खाया, मैंने तो नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, यहाँ की तो स्टेपल डाइट भी नहीं है राइस, जबकि हमें स्टेपल डाइट खानी चाहिए जो जहाँ की, बट मुझे राइस पर्सनली टेस्ट वाइज बहुत अच्छा लगता है।
तो इसके लिए मैंने राइस को इंक्लूड किया। और लंच में कहते हैं ना लोग कि हेवी होता, चलो लंच में खा लो, मैंने तो डिनर में खाया है बस। हाँ, जब कुक करने के बाद ना ऐसी ऐसी एक से डेढ़ कटोरी राइस अप्रॉक्सीमेटली मैं खाती थी। एक कटोरी में समटाइम्स मेरा पेट भर जाता तो इतना, समटाइम्स मैं डेढ़ कटोरी भी खाती थी। कभी बहुत भूख लगी हो, अच्छा एक्टिविटी लेवल भी मेरा अच्छा हो, तो मैं दो कटोरी भी खा लेती हूँ। मैं कभी डिप्राइव नहीं करती खुद को, और मैं फिक्स्ड अमाउंट में खाना नहीं खाती हूँ, मैं मेरी भूख के हिसाब से खाना खाती हूँ। मेरे वेट लॉस जर्नी का यही रूल है कि ठीक है, खुद को तड़पाना तो है ही नहीं और ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है। अगर आपके पास ऑप्शन है वाइट या ब्राउन का, तो मैं तो बोलूँगी वाइट राइस, बस लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। एंड अगर आपको पॉसिबल है तो आप हैंड पाउंडेड राइस अपने यहाँ पर अरेंज करें और उसको खाएं। मैंने पर्सनली यहाँ पर ये वाला लिया जो मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही मैं इसको पैकेट को आपको बार बार दिखा रही हूँ, आपको भी समझ में आ रहा होगा। और ये मैंने खरीदा है ना अभी, तो मैंने 475 रुपीज़ का 5 kg लिया है, और ये वाला अफोर्डेबल भी है। अदरवाइज बहुत एक्सपेंसिव थे बाकी के हैंड पाउंडेड राइस जो मुझे ऑनलाइन मिले, मैंने अमेजन से लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो अब से मैं ये हैंड पाउंडेड राइस कंज्यूम करना स्टार्ट करने वाली हूँ। सो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ भी एक बार ये बात को शेयर कर लूँ, और राइस के बारे में भी बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन है लोगों के कि उससे वेट लॉस नहीं होता, वेट गेन होता, वो मैं हटा दूँ। वेट लॉस तो होता है, एंड आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, राइट। अब बात करते हैं राइस के बेनिफिट्स की। राइस के अंदर ना एक तो ग्लूटेन नहीं होता है, इट्स वेरी वेरी इजी टू डाइजेस्ट। लोग खिचड़ी क्यों खाते हैं, बीमार लोगों को खिचड़ी क्यों देते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू डाइजेस्ट। अब राइस को खिचड़ी की फॉर्म में, थोड़े से पुलाव की फॉर्म में, या दाल चावल की फॉर्म में खाते हैं ना, इट्स वेरी इजी टू डाइजेस्ट। सो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। ग्लूटेन नहीं है, तो किसी को ग्लूटेन से एलर्जी हो या ऐसा प्रॉब्लम हो या PCOD हो, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी राइस में होते हैं। और अगर हैंड पाउंडेड राइस हम खाते हैं, तो हैंड पाउंडेड राइस में तो थोड़ा फाइबर भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। हैंड पाउंडेड राइस एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, वेट रिडक्शन में स्पेसिफिकली हैंड पाउंडेड राइस बहुत मदद करता है। फाइबर और सेलेनियम में भी रिच होता है, सो इफ इन केस यू हैव थायराइड, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, एंड इन एनी केस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड हेंस इट इज़ गोना हेल्प इन वेट लॉस एज वेल, और हेल्थ इश्यूज़ को भी दूर रखेगा। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो हेल्थ अच्छी करने में मदद करेगा। जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन हैं, उनके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छा करने में भी मदद करता, तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हैंड पाउंडेड राइस टाइप 2 डायबिटीज रिस्क को भी कम करता है, ये एक एंटीबायोटिक की तरह से काम करता है। ब्रेस्ट कैंसर से, गॉलस्टोन्स से बचाता है, प्लस इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ कॉन्स्टिपेशन एज वेल, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एंड राइस में विटामिन मिनरल्स सब कुछ बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो राइस इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड वेरी लाइट ऑन योर स्टमक। सो आप ट्राई करके देख लें, प्रॉपरली टाइमली खाना खाएं, लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, देन राइस इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू। क्वांटिटी का देखना ज़रूरी है। मेरी बात करते हैं तो मैंने 75 kg से जो 58 kg पे मैं आई हूँ, ऑलमोस्ट 25 ग्राम अनकुक्ड राइस मैंने कंज्यूम किया है, और बनने के बाद में एक इतनी बड़ी कटोरी जो होती है उतना मैंने खाया है। और मैं ज़्यादा पानी में कुक करती हूँ बिकॉज मुझे सॉफ्ट राइस पसंद है, तो अनकुकड वाला कम ही जा रहा है ओवरऑल मेरे अंदर, क्योंकि मेरा पानी की वजह से चावल ज़्यादा फूलता है। मैं ट्रिपल से भी ज़्यादा पानी कई बार डाल के बनाती हूँ, तो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो इसके लिए ना उससे मेरा पेट भी बहुत अच्छे से जल्दी भी भर जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई ओपिनियन एंड माई टेक ऑन राइस फॉर वेट लॉस। मेरे हिसाब से राइस हेल्प्स अ लॉट इन वेट लॉस, ठीक है। मेरा तो पर्सनली राइस ने बहुत हेल्प करी है वेट लॉस में। सो ये जो 24 मंत्रा के ऑर्गेनिक सोना मसूरी हैंड पाउंडेड राइस है, इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, बिकॉज मेरी आगे आने वाली वीडियोस में जब भी आप राइस देखेंगे वो यही वाला राइस होगा आफ्टर सम टाइम, लाइक जो भी आज की डेट है उसके बाद के जो वीडियोस होते हैं ना। एंड अदर देन दैट, इफ़ यू लाइक माई टॉप, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, दिस इज़ फ्रॉम मिंत्रा, मैं इस टॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो मेकअप मैंने लगाया हुआ है उसका भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। So thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Till then, take care, look gorgeous, live healthy.